हेलो गाइस, जय माता दी, जयकारा शरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। आज आपको पता है, आज है संडे और आज है फर्स्ट बर्थ नवरात्रि का। और मैं सुबह सुबह नहा गई हूँ, विशु भी सो रहे हैं और अश्मित जी भी सो रहे हैं। मैं देख रही हूँ कहीं वो उठ के ना आ जाए। और अभी मैंने ये पहना है क्योंकि मुझे मंदिर धोना है। और मेरा ड्रेस बाहर भी नहीं था, मेरा ड्रेस है जहाँ पे विशु और विशु के डैडी सो रहे हैं, बॉक्स के अंदर है। तो मैंने अभी ड्रेस नहीं पहना है, पहले मैं धोऊंगी मंदिर। अगर मैं वहाँ से ड्रेस निकालती तो विशु और अश्मित जी उठ जाते। और आपको पता है, जब छोटा बेबी होता है तो हम ये सब नहीं कर सकते, इतनी जल्दी रेडी नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो पूजा वाला काम है वो करना है, मंदिर धोना है। अभी अश्मित जी और विशु सो रहे हैं तो तब तक मैं सब कुछ कर लेती हूँ। तो मैं आपको बताने के लिए आ गई थी। और संडे एंजॉय करो, माता रानी का बर्थ एंजॉय करो और बहुत अच्छा है आज। जय माता दी। तो मैं चलती हूँ मंदिर धोने के लिए। सबसे पहले नवरात्रि पूजन यही करेंगे। सुबह सुबह कैसे नहा के धो के तैयार हो गए हैं। मैंने जब तक विशु को दूध पिलाया तब तक तैयार हो गए महाराज जी। जय माता दी कर दो। गाइस इन्हें देख लो, अभी आपने थोड़ी देर पहले इन्हें ऐसे देखा था ना, हैं? आप देखो हैं? वरना तुम कपड़े चेंज कर करके कहाँ जा रहे यार, बताओ। देखो यार, वाह बाबू आप तो अच्छे लग रहे हो, चकल दिखा दो थोड़ी सी। अरे यार लाइट जलानी पड़ेगी इनके लिए, तो लाइट तो सब जली हुई है। तो यार मेरा फोन खराब है। अरे वाह आप तो बोले अच्छे लग रहे हो। कहाँ जा रहे हो आप, सुबह सुबह तैयार हो गए पहले ही बताओ। सामान लेने जा रहा हूँ। ठीक है हाँ, पूजा का। अरे वाह, पूजा का सामान लेने जा रहे हैं। अच्छा सेल्फी, ओहो ओ माय गॉड, मैं भी आ जाऊं। अरे वाह अरे वाह अरे वाह, आइए देखो, कह रहा डैडी मैं भी हूँ। कह रहा नहीं डैडी मेरी भी खींच लो फोटो, मेरी भी देखना इसको। बाबू आपका मुझे लिखा हुआ है ना, उस पर टच कर रहा था अभी। आपने मेरी वाली तो नहीं पहन ली कहीं ये? अच्छा ये आपके अलग से है। वाह बाबू बड़ी अच्छी लग रही है तो टी शर्ट। गाइस आपको पता है मेरे बिना तो कहीं जाना नहीं है, तो सामान लेने जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि आप भी चलो। तो मैं जा रही हूँ पूजा का सामान लेने। कल सामान नहीं लिया था क्योंकि कल था श्राद्ध और आज से बर्थ स्टार्ट है। तो सुबह सुबह हम जा रहे हैं पूजा का सामान लेने, यहीं पे पास में ही है। चलिए आम के पत्ते मिलेंगे क्या? कितने मिलेंगे? हाँ दे दो, 10 दे दो, मुझे कलश रखना है ना। हाँ 10 मतलब 10 से ज्यादा जितने भी हो जाए उतने दे दो मुझे, अच्छी सी दे दो। तुलसा जी ना, ठीक है ठीक है, आप जैसा भी हो वैसा दे दो। हाँ हाँ क्यों आम के पत्ते पूरे उधर।
सामने वाले बूथ में। गाइस हम ढूंढ रहे हैं आम का पेड़ और सब कुछ देख लिया, यहाँ पे आ गए पता नहीं कहाँ पे। और आपको बड़ा दिखाई दे रहा आम का पेड़ बीच में। इनसे बोलने दीदी से, उधर चलो एक, मेरे को लग रहा है उधर ना, एक सेकेंड उधर उधर इसमें नहीं है यार। यार आम का पेड़ नहीं है, बताओ चलो एक बार इसमें चल लो अंदर। बाबू फिर वहीं चलो, वहीं चलो बाबू। हे भगवान विशु, हे भगवान मम्मा, हे भगवान विशु मम्मा, छतर पतर परमेश्वर महाराज। ये देखो डांस कर रहा है। गाइस हम ना सोसाइटीज में घूम रहे हैं आम के पेड़ के लिए, हाँ पत्तों के लिए, कि हमें आम के पत्ते मिल जाएं। और अश्विन जी बहुत आराम आराम से गाड़ी चला रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं आप सब लोगों को बता दूं। बीजू देखो, ओ बीजू आ, बताओ बीजू आ, छतड़ पतड़ परमेश्वर महाराज। ये देखो इनको इतनी मस्ती आ रही है। हम लेते हैं आपका पेड़ बीच में ला रहे हैं, ये गाड़ी चला रहे हैं, मेरे को देखे तो चलते चलते मिल गया है आपका पेड़। और अब बस बस यही है, यही है, यही है। और हम यहाँ से लेंगे आम के पत्ते। ये देखो इनको, आपको आम का पेड़ नहीं दिखाई दे रहा? मेरे को नहीं दिख रहा। गाइस यहाँ पे आई थिंक आम के पत्ते से कुछ नहीं करते हैं, बस अभी देखते हैं इनका क्या रिएक्ट होता है। आंटी दीदी जय माता दी। दीदी मुझे ना नवरात्रि का कलश रखना है, मुझे ना थोड़े से आम के पत्ते चाहिए थे, ले लूं? थैंक यू। चलो उन्होंने हाँ कर दिया है लेने के लिए और मैं ले लेती हूँ, बट मैं लूंगी कैसे? ये तो कैसे यहाँ पे तो काई हो रही है। कौन सा है ये तो बताओ? ये रहा ये अंदर वाला है ना। हाँ। अभी क्या करें, मैं लेती हूँ। चलो भाई चलो, तुम पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल गया यार, कुछ तोड़ मत देना किसी का, पता चलेगा आप नुकसान कर दो। ये नीचे है पत्ते, यही ले लो, ये है ना आगे आपके लिए। कितने चाहिए आपको? अरे वो ये कह रही है छत पे से ले लो। फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी मैं बाद में। मेरी इस घर में है सेकंड नवरात्रि विशु के साथ, फर्स्ट वाली नहीं रखी थी, और मैं कैसे पूजा करने वाली हूँ वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। और विशु के डैडी हो गए हैं रेडी, आप देख सकते हैं। डैडी ने कपड़े चेंज कर दिए हैं क्योंकि उनको गर्मी बहुत लगती है, विशु को मैंने रेडी कर दिया है। और आपने देखा मैं पत्ते लेके आई थी, और तुलसा जी भी मैं आज ले आई हूँ। तो वो चलिए वीडियो को, मतलब चलिए नवरात्रि की पूजा करते हैं। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि विशु के साथ है मेरी नवरात्रि का फर्स्ट, और मैं फास्ट रखने वाली हूँ, बाकी मैं सब आपको बाद में बताऊंगी। ये देखो कैसे लग रहा हूँ मैं। और दीदी भी आ गई है, दीदी को बुलाया था सुबह 7 बजे, दीदी आई है अब कितने बज रहे, 9:30 बज रहे आई थिंक, इतने बजे आई है दीदी, क्योंकि उनको भी नवरात्रि करनी थी, उनका भी फास्ट है आई थिंक, मेरे को ऐसा लगता है, अभी पूछ के बताऊंगी है या नहीं है।
और गाइस एक चीज मैं आपको दिखाना भूल गई, फिर वो क्योंकि रख जाएगी ना वहां पे, तो फिर मैं आपको नहीं दिखा सकती। ये है मेरे विशु की अन्नप्राशन की थाली जो कि मैं लेके आई थी। एक मिनट आपको खोल के मैं दिखा देती हूँ। ये देखो, ये मेरे विशु की अन्नप्राशन की थाली है, इसमें विशु ने खाना खाया था और बाकी सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये देख लीजिए आप, तो गाइज मैं सब सामान ले आई हूँ पूजा का और ये सब यहीं पे रख दिया अभी लाके, क्योंकि फटाफट से विशु रोने लगे थे। और ये इतनी बड़ी माला है, मैं इसको बीच में से कट करूंगी और छोटी माला बनाऊंगी, तो अभी कर लेते हैं। आज विशु नहीं दिखाई दे रहे ना, तो मैं आपको विशु दिखा देती हूँ। आओ विशु, दीदी मना कर रही है आने के लिए, मैं नहीं आऊंगी, है ना विशु, दीदी नहीं आ रही है ना। जय माता दी कदम, जय माता दी कदम कदम, ये राधे राधे कर दो विशु, दीदी को राधे राधे करके दिखाओ, राधे राधे जय माता दी, कैसे विशु, जय माता दी, ये लेट करता है। पर अश्विन जी ने उधर मट्टी, तो जो गमले में मट्टी है ना उसको जवो के लिए आधी निकाल रहे हैं, आधी गमले में ही रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं तुलसा जी भी लेके आई हूँ, तो मुझे अच्छे से पूजा करके उनको एक जगह पे विस्थापित करना है। तो मैं तुलसा जी की भी पूजा करूंगी और माता रानी की भी, सब साथ में ही करेंगे। देखो उधर भैया, देख रहे हो गाइस कितना गंदा कर दिया है गमले को, अभी इसको कट करेंगे सीजर से। ओह माय गॉड, सीजर नहीं है। ये यहाँ पे जो आप स्लिप देख रहे हो ना, ये पूरे दिन भर में कितना 3-4 बार तो साफ हो ही जाता है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं रहती। हम मतलब यहीं पे करते हैं जो भी मतलब करना होता है, क्योंकि ये ज्यादा अच्छी जगह लगती है हमें, है ना, है ना हीरो, हीरो यस। और सारी सफाई फिर रश्मि जी कर देते हैं यहाँ पे ना, जो भी गंदा वंदा होता है, ये मिट्टी विट्टी जो भी गिरेगी ना ये रश्मि जी साफ करेंगे।
जय माता दी, जय माता दी। बस बहुत हो गया इतना, ऐसे नहीं करते हैं। अरे वो मुझे पता है, अभी जब देखो ना कैसे दबा रहे हैं उसको, अभी जब पानी डालोगे तो वैसे बस बस बाबू बस बहुत है। अब इसको भी ऐसे कर दो, इसमें जवे डाल लेना, जवे बोलते हैं क्या बोलते हैं, जाओ बस बाबू इसको ऐसे छोड़ दो। कहाँ लगाओगे ना इसको, ये लगाने का है जो आपको, जो अभी लगा रहे हो कहाँ, किसमें, इसी में लगाओगे क्या? हाँ हाँ, और बर्तन नहीं है ना हमारे घर, ये है एक चौड़ा सा। गाइस आज अस्मित जी बो रहे हैं और पता नहीं नहीं अस्मित जी नहीं बोएंगे, अस्मित जी का इतना सा काम था, बोएंगी तो माता जी। अच्छा जी, मैं बोऊंगी मुझे पता है तुम अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते हो। गाइस पीछे हट गए, कह रहे हैं आप ही बोओगे, ठीक है। बोले बोले।
है जो चिकनी मिट्टी है, और चिकनी मिट्टी में आप देख रहे हो ना कैसे वो रोल रोल बन रहा है। तो कोई बात नहीं, माता रानी सब अच्छा करेंगे। मेरे हाथ के उसमें पता है भोले हुए सबसे ज्यादा होते थे। हाँ हाँ हाँ, ये तो अपनी बातें बोलते हैं सब जगह में, कुछ भी बोलते रहते हैं। मेरा तो वक्त बताएगा, है ना गाइस। मेरे उसके उसमें होते थे कि उसको पकड़ के उठा लेते थे। बस बस बस, ग्रीन ग्रीन कुछ भी बोलते हैं ना। पूजा हमने कर ली है, आप देख सकते हैं, और मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ क्योंकि इस घर में मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे पूजा करी है। नहीं, विशु के टाइम में की थी, विशु का जब नामकरण था तब ऐसी पूजा हुई थी। उसके बाद नवरात्रि का व्रत तो आप कह सकते हो कितना अच्छा होता है, सब 9 दिन तक इतना अच्छा लगता है ना। और यहाँ पे पूजा कर ली है, अभी सारी बातें मैं आपसे अंदर करूंगी। और विशु को आप दिखा देती हूँ मैं, केला भी चाहिए। आई मेरा राजकुमार, देखो बीजू आजो आजो। और ये मंदिर, मंदिर में नहीं जाना बेटा, ठीक है। हे माता रानी, जय 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 बीजू, जय जय बीजू। कर ले दोनों की दोनों, क्या कर रही हो बीजू? फोन में आपने देखा। तो गाइस अश्विनी जी भी आ गए थे, तो
तो गाइस आपको मैं बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया कि विशु, अभी आपने देखा कि विशु किस तरीके से खड़े हुए हैं, और ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि मेरे को भी याद रहे कि विशु कब खड़े हुए थे। विशु को क्या है ना, विशु मतलब टाइम टू टाइम अपनी एक्टिविटी करते हैं। अब जैसे कि कल उनको 11 मंथ कंप्लीट हुआ, और उसके बाद विशु ने पूरा 1 मिनट विशु रात खड़े हुए। आज है नवरात्रि और नवरात्रि का फर्स्ट फास्ट है आज, और कल विशु पूरे 1 मिनट अपने पैरों में बिना किसी सहारे के खड़े रहे। वो वीडियो में हल्का सा क्लिप आपको दिखा दूंगी, तो मेरे को बहुत खुशी हुई। अब विशु हल्का हल्का खड़े होने लगे हैं, और आपने देखा गाइस के हम आम के पत्ते लेने कहाँ कहाँ गए। पता क्या है, यहाँ पे मेरे को लगता है कि आम के पत्तों का यूज नहीं होता है पूजा में, यहाँ आम के पत्ते से कुछ नहीं करते हैं। और मैंने दुकान पे भी पूछा कि आम के पत्ते हैं या नहीं है, तो उन्होंने मना कर दिया। और हम कहीं कहीं गए, एक दीदी के घर जब हम पहुंचे तो उन्होंने मुझे खुद से तोड़ के दिए। यार कोई कोई लोग बहुत अच्छे होते हैं हेल्प के मामले में, तो उन्होंने खुद से मुझे पत्ते तोड़ के दिए, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी ये नवरात्रि बस अच्छे से चली जाए। और बताऊं आपको, ये भी सामने बैठे हुए हैं देखते रहते हैं मुझे। शादी के बाद मेरी यहाँ पे फर्स्ट नवरात्रि मैं कहूंगी। घर पे क्या होता है, मम्मी सब कर देती थी, कुछ भी पता नहीं चलता था कि कलश कैसे रखा है, पूजा कैसे हुई है। बस मम्मी बोलती थी कि आप नहा लो और पूजा कर लो, तो इस तरीके से मैं फास्ट रख लेती थी, और 9 दिन कैसे निकलते थे पता नहीं चलता। और अभी क्या है, विशु फास्ट भी रखना है, विशु को भी संभालना है, बहुत सारा काम होता है। तो इस तरीके से आपने देखा था, मैंने मंदिर धोया, उसके बाद विशु उठ के विशु के काम पे लग गई, उसके बाद फिर पूजा करी। गाइस मैं केला खाने लगी थी क्योंकि नहीं खाया है, आई थिंक 12 बज गए होंगे। 12 तो तब बज गए, पूजा शुरू करी आपने। हाँ तो 1-1.5 बज गया, तो मैं अब केला खा रही हूँ। अब विशु को दूध पिला दिया है, आपने बनाना खाया। यार इनको कितना मना कर रही हूँ कि आप फास्ट मत रखो, मैं रख रही हूँ, इनको क्या जरूरत है। तो ये भी फास्ट रखने वाले हैं मेरे साथ, और मैं इनको मना कर रही हूँ, ये नहीं मान रहे हैं, तो कोई क्या कर सकता है। पति धर्म निभा रहे हैं, तो मैं कह रही मेरी नकल उतारनी आपको जरूरी है। कह रही आप कह रहे आपकी नकल कहाँ उतार रहा हूँ, आप पहले रख लो, मैंने तो बाद में रखा है बर्थ, आप पहले पूजा कर लो, मैं बाद में पूजा कर लूंगा, कुछ तो बोल दो। हाय, आज ज्यादा नहीं इतरा रही, कुछ इतराते बहुत है ये। मैं आया हूँ सुबह सुबह, इतराऊंगा नहीं क्या गाइस। आपने देखा अग्रवाल की, मतलब वहां पे पूरा सामान मिलता है पूजा का, कितनी भीड़ लगी हुई थी। विचू देखो, विचू हेलो कर दो, विचू को खड़ा कर, विचू हाय। और आज तो मैं तुलसा जी भी ले आई हूँ। और गाइस मैं आपको बता दूं, मैं जाने वाली हूँ मम्मी के यहाँ। क्या होता है ना, जो चीज हम बोल देते हैं वो हमें करनी होती है, जैसे कि छोड़ो इसको आप, मैं संभाल रहा हूँ, आप बोलते रहो। जैसे कि कोई भी चीज है, हम भगवान जी के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज में हमने टाइम बांधा है अपना, कि हमें खाना इस टाइम पे खाना है, बेबी को दूध इस टाइम पे पिलाना है। तो पूजा के लिए भी ऐसा ही है कि एक टाइम फिक्स होना चाहिए, जैसे मेरा टाइम है मैं पूजा टाइम पे कर लेती हूँ। ऐसा ही है कि हमें भगवान जी को भी धोखा नहीं देना चाहिए, अगर हमने उनके लिए कुछ बोला है तो वो हमें करना चाहिए, या तो बोलना नहीं चाहिए, या तो बोला है तो करना चाहिए। हाँ अच्छा जी, बोला है तो करना चाहिए। तो गाइस आपको पता है मैं यहाँ पे रहती हूँ, हर टाइम पे अलग अलग सिचुएशन होती है, अलग अलग मूड आते हैं, क्या पता कल को मैं इस घर में हूँ या ना हूँ। मैंने जब विशु टम्मी में थे तो मैंने विशु को बोला, विशु के टाइम पे बोला था, क्योंकि मैंने उस टाइम पे क्या था ना, मैं हर नवरात्रि पूरे अच्छे से करती हूँ, तो उस टाइम पे कन्या जब आई तो मैंने हाथों में सबको प्रसाद दे दिया था, और मैंने बोला कि भगवान जी प्लीज इस बार माफ कर देना, अगली बार मैं नवरात्रि अच्छे से करूंगी विशु के साथ, मतलब अपने बच्चे के साथ। तो अभी क्या था, अभी मेरे को जाना है, बीच में मेरे को जाना है, 5 तारीख को मेरे को जाना है, जिस दिन 7वां नवरात्रा है, और बस जाना है। और अब मैं कैसे करूंगी, ये माता रानी पे ही
डिपेंड करता है माता रानी मुझसे कैसे करवाएगी ये सब। और आपको पता है भगवान जी भी मेरे को ना टास्क देते हैं हर, आप मुझे देखना, मैं आप लोगों के साथ अपनी वीडियो जरूर शेयर करती हूँ हर, तो आप मुझे देखना कि भगवान जी ना मुझे टास्क देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जी ने मुझे ये बोला है करने के लिए। तो माता रानी बोलती है कि आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, तो बस इसी तरीके से है, माता रानी मुझे टास्क देती है। और पता है जो सबसे प्यारा होता है ना, अब ये देखो ना आप, ये मेरा बेबी है, इसको मैं प्यार भी कर सकती हूँ, खूब तेज से मार भी सकती हूँ क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। अच्छा है ना मैं उसकी माँ हूँ। और माता रानी मुसीबत भी उसी को देती है जो उनका बच्चा होता है ना। तो गाइस आप लोग भी माता रानी के बच्चे हो, अगर माता रानी आपको भी कुछ मुसीबत दे रही है तो प्रसाद समझ के ग्रहण करो और उस मुसीबत को अच्छे से हैंडल करो। आप सोचो कि मैं 9 दिन के फास्ट रखूंगी, कैसे रखूंगी, कैसे मम्मी के घर जाऊंगी, कैसे सारी पैकिंग करूंगी खांसी भी हो रही है, तो बस यही है, माता रानी मुझे आशीर्वाद देती है और मैं ग्रहण कर लेती हूँ कि माता रानी देखो मैं सिचुएशन से अच्छे से बाहर निकल जाऊंगी हंसते हंसते। तो बस यही था। और ऋषु आप देख लो कैसे कर रहे हैं। तो आपको हमारा आज का ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।